आपको मैं एक आज ही हमारे जो मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग पूरे देश के मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे, मैंने एक और सवाल उनसे कहा है, उनसे एक आग्रह किया है देश के हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, कि हमारे देश में आदिवासियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्र ऑलरेडी डिमार्केटेड है, देश के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उसके भी मिनिस्टर्स होते हैं, ट्राइबल काउंसिल है उसके भी देश में ये संचालित है, लेकिन आज के दिन में ट्राइबलों को मान्यता नहीं मिलना कि ये ट्राइबल है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे देश में सेंसेक्स की फिर से शुरू होनी है और आपको मैं बताऊं कि आजादी के बाद से बहुत अभी हाल तक में कभी आदिवासियों को इंडिजिनस के नाम से जाना गया, कभी एनिमिस्ट के नाम से जाना गया, कभी ट्राइबल के नाम से जाना गया, बहुत तरह तरह के नाम उनके बदलते गए और अभी हाल के समय में ये अदस में ये काउंट में आते थे और अब ये अदस में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि सेंसेक्स में अब अदस का कॉलम हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया हुआ है और इसको लेकर के हमारे राज्य में बहुत जबरदस्त ट्राइबलों के बीच में आक्रोश भी चल रहा है और इस बार इन लोगों ने अपनी सेंसेक्स में जो प्रीवियस सेंसेक्स हुआ था उसमें अपना एक धर्म कोड का भी डिमांड किया है। तो लास्ट 19-20 सालों से हम लोग भारत सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं कि ट्राइबल लोगों के लिए भी कोई आइडेंटिफिकेशन कोई कॉलम होना चाहिए, बट अभी तक मिनिस्ट्री तो बनी, काउंसिल्स बने, प्रोजेक्ट्स बने, बजटिंग हुई, लेकिन इनको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए अभी तक कोई सरकार में कोई पहल नहीं हुई। हमने हाल में ही अपने असेंबली से ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि राज्य सरकार यहाँ के ट्राइबल पीपल के लिए आप अलग से कॉलम की व्यवस्था करें ताकि अपनी परंपरा संस्कृति को बचा पाए क्योंकि इनकी एक अलग विरासत है, अलग इनकी पहचान है। आज जिन जंगलों के पेड़ में यहाँ के ट्राइबलों को भगवान दिखता है उन जंगलों में देश के लोगों को, बाहर के लोगों को खनिज दिखता है, पैसा दिखता है और उन जंगलों को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। और आज जिस तरीके से आदिवासी दलित हादसे पर आगे बढ़ने के बजाय यदा कदा दो चार लोग ही लड़ पाते हैं क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी है, इतना कठोर है।